छत्तीसगढ़ के डबरा जांजगीर चांपा जिले के डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले गांव धोरा भाठा के आदिवासी छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र 13 वर्षीय शिवा सिदार को खेलते हुए एक विषैले सांप ने काट लिया है। जी हां, छात्र की बिगड़ती हालत देख 2 घंटे की देरी के बाद डायल 112 एम्बुलेंस का फोन से सूचना देकर बच्चे को डबरा सामुदायिक केंद्र लाया गया, जहाँ डॉक्टर माधुरी चंदा द्वारा बच्चे के तत्काल इलाज किया गया। हालांकि अभी बच्चे की स्थिति थोड़ी खतरे से बाहर बताई गई है। हालांकि बच्चे के बेहतर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल रायगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है, लेकिन सरकार द्वारा घोषणाएं की जाती रही हैं कि गरीब आदिवासी परिवार के बच्चों को बेहतर शिक्षा के नाम पर सुविधा देने की बात सिर्फ खोखली साबित दिखाई पड़ती है। जी हाँ, जिले में कई जगहों में इस तरह की घटना सामने आ चुके हैं, बावजूद सतर्कता नहीं बरती जा रही है। सिर्फ आदिवासी छात्रावास को लाखों का फंड सरकार मुहैया करवाती है, क्रियान्वयन का काम सिर्फ कागजों पर ही इसकी सूद कोई नहीं लेता है। जी हाँ, अधिकारियों के मिली भगत से सरकार से मिलने वाले फंड का बंदर बांट किया जाता रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ महीने पूर्व इसी छात्रावास में पढ़ने वाले एक छात्र आदिवासी बच्चे को बुखार होने पर वक्त पर इलाज में लापरवाही करने की वजह से बच्चे की हालत बिगड़ गई, जिससे उसके परिवार वाले घर ले गए, जहाँ उसकी मौत भी हो गई है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।